I want you to show me how to get to know someone like you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे. तो आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट को डेकोरेट करने पे. इंडोर प्लांट जो कि हम घर में लगाते हैं एयर को प्यूरीफाई करने के लिए, घर को खूबसूरत बनाने के लिए. और क्योंकि इंडोर प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पॉट में ही लगाए जाते हैं, और जिससे कि उसकी खूबसूरती, जो सही खूबसूरती है वो नज़र आए, जो दिखे. और छोटे छोटे प्लांट जो कि हम टेबल टॉप पे, डाइनिंग टेबल पे, और काफ़ी ऐसी जगह जहाँ हम उसे डेकोरेट कर सकते हैं, हम डेकोरेट करते हैं. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं ये, और इसे हम लगाते भी हैं छोटे छोटे पॉट में. और छोटे पॉट को सिर्फ प्लांट लगा के छोड़ देने से उसकी जो खूबसूरती है वो उतनी नहीं आती है जितनी अगर हम उसमें कुछ डेकोरेट कर दें. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक पेन रखा है जो कि काफ़ी डेकोरेटिव है. तो इस तरह से यहाँ एक मैंने पेंसिल है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे लगा हुआ है अम्ब्रेला जो कि टॉय अम्ब्रेला है. तो इस तरह से कुछ भी ऐसा सामान जो कि हम अपने इंडोर प्लांट को, यानी इंडोर प्लांट पॉट को डेकोरेट कर सकें. तो हम अक्सर मार्केट से ऐसा कुछ हमें नज़र आए और हम अक्सर इसे परचेज करके ले आते हैं, तो जिससे कि हम अपने इंडोर गार्डन को सुंदर बना सकें, डेकोरेटिव बना सकें. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा DIY जो कि बहुत इजी है, सिंपल है, और बहुत ही फास्ट हम इस DIY को तैयार कर सकते हैं. तो जिस DIY से हम अपने गार्डन को डेकोरेट करने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं वो सिंपल सा एंड फास्ट क्विक DIY जिससे हम सजाएंगे अपने गार्डन को, इंडोर गार्डन को. तो फ्रेंड्स, इस DIY को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह के दो ढक्कन, और ढक्कन स्पेशली मैं येलो कलर का ले रही हूँ. और ये बिल्कुल वेस्ट है हमारे किचन में यूज़ होने वाला, जो बर्तन क्लीन करने का जो हम साबुन यूज़ करते हैं ये उसी के ढक्कन हैं, जो कि खाली होने के बाद हमारे पास बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और इसका कोई यूज़ नहीं होता है. तो मैं इस तरह से दो ढक्कन ले रही हूँ. उससे पहला जो काम करना है वो है इन दोनों ढक्कन में से मैं इस तरह से एक गोल सर्कल निकाल लूँगी. तो जैसे कि मैं एक निकाल के रखी हुई हूँ, तो इस तरह से कट करके हमें इन दोनों में से सर्कल निकाल लेना है. तो जैसे कि मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो अब हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, हम इसे यूज़ करने वाले हैं. तो यूज़ करने के पहले मैं आपको दिखाऊं कि कुछ हमें डिज़ाइन इस तरह से बनाना है. यहाँ से हमें कुछ इस तरह से नोक बनाते हुए डिज़ाइन बनाना है. अगर आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं. अगर आपको लगे कि ये कटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है तो आप इसे पहले ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करने के बाद आप इसे कट करें. तो कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है. जैसे कि मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, तो इस तरह से कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसे सेट करना है. तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है. अब ये जो हम प्लांटर टैग बना रहे हैं, तो इसे बनाने के लिए अब ये जो मैं बना रही हूँ हनी बी, तो इसके ऊपर का यहाँ जो इसकी एंटीना होती है ये भी बनाने के लिए हमें चाहिएगा कुछ इसी तरह का कुछ वेस्ट, जो कि अभी जैसे हमने ये सर्कल काटा और इसमें से कुछ इस तरह से निकल आए, और नहीं तो आप इसी में से काट के निकाल सकते हैं. तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अगर हम इसे कट करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. तो हमें दो एंटीना बना लेना है और इसे हमें ऐड करना है कुछ इस तरह से. तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसा दिखने वाला है. अब बनाएंगे हम इसके पंख. पंख बनाने के लिए हमें चाहिएगा कुछ इस तरह के जो ढक्कन होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप उससे पंख बनाएंगे. वरना अगर आप इससे बनाएंगे तो इसमें आपको वाइट कलर करना पड़ेगा. मैं कुछ इसी तरह का यूज़ कर रही हूँ जिससे हमें कलर ना करना पड़े.
तो इसके अनुसार हम इसका पंख बनाएंगे। तो इसे हम इस तरह से इस पर रख लेते हैं, और रखने के बाद हम कुछ इस तरह से इसमें ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले कट कर लेते हैं। We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you. तो कुछ इस तरह से देखिए, मैंने इसके पंख बना लिए हैं, और इस तरह से हमें अब इसे अटैच करना है। और अटैच करने के लिए हम ग्लू गन की हेल्प लेंगे। You to see that this is a love that we both feel. अब लेंगे हम मार्कर। मार्कर से हम बनाएंगे इसके आईज, और इसके जो बॉडी में जो स्ट्राइप्स होते हैं, हम इसी मार्कर के हेल्प से इसे भी बना देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये खूबसूरत सा हनी भी हमारा बनके तैयार। लेकिन अभी इसमें एक काम बाकी है, क्योंकि ये जो हनी भी हमने बनाया है, इस हनी भी को अब हम स्टैंड करेंगे अपने प्लांटर में। उसके लिए हमें चाहिएगा कुछ इस तरह के, या तो पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप वो येलो कलर का रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सेम होने से वो खूबसूरती इसमें आ जाती है। और अगर आप अलग कलर का ले रहे हैं तो आप इसमें येलो कलर कर दें तो वो भी ऑप्शनल है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें येलो कलर का ही पेंसिल ले रही हूँ, जिससे कि मुझे कलर करना ना पड़े। तो इस तरह से हम इसे सेट कर देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इस तरह से एक सुंदर सा हमारा प्लांट स्टिकर बनके तैयार हो गया। और इसे हम इंडोर प्लेस करें, इंडोर गार्डन को डेकोरेट करें, तो किस हद तक खूबसूरत लगेगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और विदाउट एनी कॉस्ट, हमें कोई खर्च नहीं करनी पड़ी इसके लिए। हमारे पास सब कुछ बिल्कुल वेस्ट था और उसे हमने यूज़ किया, और एक खूबसूरत सा DIY बनके हमारा तैयार हो गया। तो चलिए इसे लगाते हैं अपने प्लांटर में और दिखाते हैं इसकी खूबसूरती। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो DIY है, ये प्लांट स्टिकर, तो कुछ इस तरह से लगने लगा है ना, बहुत खूबसूरत। जल्दी से जल्दी रेडी होने वाला हमारा ये इजी सा DIY। तो इस तरह से DIY क्रिएट करके हम अपने गार्डन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, स्पेशली इंडोर गार्डन को, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पॉट जो होते हैं उसे डेकोरेट करने के लिए हमें इसी तरह से छोटे छोटे कुछ DIY चाहिए होता है, जो कि हम अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये DIY वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।